ऐसे अगर खड़ा हूं मैं और खड़े खड़े अगर इसको मैं थ्रॉटल दे देता हूं तो उड़ जाता है, व्हील जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे एक बार ही दोबारा से देखें अगर इसको थ्रॉटल देते हैं, क्योंकि इसकी जो बीएचपी है वो ऐसा लगेगा जैसे कि अंडर पावर्ड है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के ऊपर फर्क होता है और गेयर रेशो पे, जो जिस टाइप का ये गेयर रेशो यूज करते हैं कम पावर के अंदर, अगर मैं इसको थ्रॉटल देता हूं तो उठ रहा है। मेट्रो सिटीज के अंदर ना लोग बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलें रखना आजकल बंद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक तो वो मेंटेनेंस में ज्यादा होती हैं, दूसरी बात पेट्रोल बहुत ज्यादा खाती हैं, इसलिए ऐसे ऐसे ना क्यूट क्यूट से स्कूटर लॉन्च हो रहे हैं। और ये जो स्कूटर है ना इसको बोलते हैं हीरो जूम, और ये हीरो ने निकाला है सबसे बढ़िया एक टेक्नोलॉजी के साथ जो कि कार्स के अंदर यूज होती है। और वो टेक्नोलॉजी पता क्या है कि जब आप इसके ऊपर बैठे होंगे और जब आप अपना स्कूटर टर्न करेंगे तो इसके अंदर ये कॉर्निंग हेडलैम्प्स हैं जो कि ऑन हो जाएंगे। ये फर्स्ट इन द इंडस्ट्री, फर्स्ट इन द सेगमेंट एक स्कूटर के अंदर फीचर आया है जो कि एक बड़ी बड़ी कारों के अंदर हमें मिलता है, जो कि एसयूवीज होती हैं, सेडान्स होती हैं, लग्जरी कार्स होती हैं। ये वाला भी दिखाओ पोर्शन, तो इसके अंदर भी जैसे अगर मैं इधर की तरफ मोड़ूंगा तो ये लाइट अपने आप जल जाएगी। मतलब अगर मैं चल रहा हूँ और सामने अंधेरा है, पूरा रास्ता अंधेरे में, मैं अगर पहाड़ों पर भी जा रहा हूँ, इसको ना हीरो बोला कि ये टूरिंग स्कूटर है। अगर मैं पहाड़ों पे जा रहा हूँ इसको लेके, मान लो अगर मैं चला गया टूरिंग करने के लिए इससे, तो मैं जब जैसे इसको मोड़ता हूँ पहाड़ों पे, तो मेरा जो कॉर्नर है वो लाइट अप हो जाएगा बिकॉज ऑफ मेरे पास यहाँ पे एक ये साइड लाइट है। है ना यार, कॉर्निंग हेडलैम्प, चलो हेडलैम्प के अंदर नहीं है लेकिन कॉर्निंग का फीचर तो है। अब ये स्कूटर्स इतने ज़्यादा लाइट हैं कि इनको यूज़ करने में किसी को कोई परेशानी होगी नहीं। पहली बात तो ये कि स्कूटर दिखते कैसा है, तो ये कुछ इसकी कीज़ हैं जो आज की डेट में मैनुअली ही हैं, कीज में कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन स्कूटर अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छे ब्राइट कलर्स के साथ आ रहा है, 4 कलर हैं इसके, वो तो खैर बाद में बताऊंगा मैं। लेकिन गाइस सबसे पहले अगर इसकी हेडलैम्प देख लिया जाए तो ये हेडलैम्प जो है इसको ऑन करते हैं, ये कुछ DRL कुछ इस टाइप से चलते हैं, इसके एच शेप में है ये DRL इसका, और ये जो DRL है ना ये एच शेप रिप्रेजेंट कर रही है हीरो को। हीरो मतलब हर जगह एच दे देता है यार, एक चीज़ तो है। दूसरी चीज़ ये जो इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, अब देखो ये रात को जब टेस्ट होगा तभी पता चलेगा कि ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प कितना काम कर रहे हैं या फिर कितना नहीं कर रहे। लेकिन अभी के सिनेरियो में लाइट दिन के अंदर शार्प तो लग रही है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, वो रात को ही पता चलेगा। फिर जी यहाँ पे आ जाते हैं ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और ये जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ना ये अच्छी है, मतलब बिल्ड क्वालिटी इसकी थोड़ी सी मुझे बढ़िया लग रही है, वैसी वाली नॉर्मल बिल्ड क्वालिटी तो नहीं लग रही। ये फेंडर जो है ये भी क्यूट सा डिज़ाइन है, इस वाले एंगल से अगर भी दिखाया जाए तो बहुत क्यूट सा, और इसके ऊपर ये वाला जो लाइंस हैं ये सब जो चीज़ें आ रही है ना ये ऐसा एक फ्लो बनाने की कोशिश करी है, ऐसे एयर फ्लो। उसके बाद ही यहाँ पे कंट्रास्ट के लिए ये ब्लैक कलर का पार्ट यूज़ हो गया है। देखिए जो इसकी ये बोल्ट्स भी है ना ये भी वैसे वाले यूज़ किए हुए हैं, मतलब नॉर्मल वाले नहीं है, ऐसे वाले यूज़ नहीं कर दिए। देखिए यहाँ से ये आ रहा है शॉकर नीचे, और ये आ गई इसकी डिस्क ब्रेक। अच्छा इसके जो एलॉय व्हील्स है, अगर एलॉय व्हील का डिज़ाइन इस तरफ से देखा जाए तो एलॉय व्हील का डिज़ाइन कुछ ऐसा है जैसे आज की डेट में हम लोग आफ्टर मार्केट एलॉय व्हील यूज़ करते हैं कार्स के अंदर। और ये जो व्हील्स हैं और ये जो एलॉय व्हील्स हैं कुछ अच्छे प्रीमियम किस्म के हैं। लोग क्या करते हैं कि एक तरफ ही अलॉय व्हील देते हैं, लेकिन अगर ये देखोगे तो ये एक अलॉय मटेरियल, मतलब जैसे एल्युमिनियम अलॉय होता है ना, जैसे हम एक्चुअल देखते हैं कार के या बाइक के, वैसे वाले टफ वाले अलॉय हैं। और अगर व्हील्स देख लें तो MRF इसके अंदर व्हील्स हैं जो कि 12 इंचज का व्हील है ये, तो अपने सेगमेंट में इसके जो व्हील्स हैं वो बड़े कहलाए जाएंगे। तो ये तो हो गया इसका ये वाला पोर्शन, अच्छा लग रहा है ना। कॉर्निंग हेडलैम्प्स आ गए इसके यहाँ पे। अब ये जो कॉर्निंग हेडलैम्प्स है ना ये बहुत सारे लोग यूज़ करेंगे, इसका सेंसर भी, और ये वाला जो स्विच या फिर सेंसर और जिस तरीके से इसका जो हैंडल के अंदर आके जो हो रहा है ना जिससे कि ये लाइट अप हो जाता है, वो बहुत सारे लोग यूज़ करने वाले हैं, जो कि लोग कस्टमाइजर्स हैं, जो कि लोग कार भी बना रहे हो, कार के अंदर भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं कस्टमाइजर्स को एक आइडिया दे रहा हूँ, देखो जो बॉडी लाइनिंग है वो शार्प एंड क्रिस्प दी है, वो क्यों? क्योंकि आजकल किसी को वो मोटे मोटे से जो डिज़ाइन है ना वो पसंद नहीं है, और इतने ब्राइटर कलर और इतने खिले हुए कलर जो हैं, जैसे कि इसके अंदर जो 4 कलर हैं उसमें से मेरे को जो बेस्ट लगा, जिसकी रोड प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है, वो ऐसा सा ये कुछ ब्लू स्कूटर, थोड़ा ऊपर से ये वाला एंगल दिखाएंगे तो ये जो इसका पोर्शन है ये कुछ ऐसा सा आता है, पियानो ब्लैक का टच है इसमें ब्लू के साथ, फिर एक छोटा सा वाइजर आ जाता है यहाँ पे, और हैंडल का जो शेप है ये देखिए ऐसा सा लग रहा है जैसे प्रीडेटर है, कोई रोबोट है, कुछ आगे से ऐसा सा शेप है। फिर यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं, अगर इसको ऑन किया जाए तो टर्न इंडिकेटर्स हेलोजन ही है, टर्न इंडिकेटर्स अच्छी जगह पे, प्लेसमेंट बढ़िया है,
अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्ड क्वालिटी जो है वो सॉलिड सी है। बॉडी स्टाइलिंग ना हर जगह से एजी है। अब ये एजी का क्या सीन देख रहा हो, देखो इधर आओ, सलमान खान की तरह मैंने भी इस पे ये जो है अपना शेड टांग दिया, लेकिन जो इसकी बॉडी है ना वो कुछ एजी एजी है सारी की सारी। कहीं पे भी कोई राउंड वाला शेप नहीं है, ऐसे छोटे मोटे एज पे राउंड वाला शेप है, सारी ज़्यादातर बॉडी जो है वो एजी है। ऐसा लगता है जैसे ये स्पीकर का डिज़ाइन है, बट ये जो है बॉटल होल्डर और छोटा मोटा सामान आप इसके अंदर रख सकते हो। यहाँ बॉटल रख सकते हो, यहाँ पे कुछ और रख सकते हो, यहाँ बॉटल रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। फिर ये जो है इसका इग्निशन है कुछ इस टाइप का, स्विच है इसका इग्निशन का, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑन ऑफ है इग्निशन में, ठीक है। और बाकी पुश करके करोगे पीछे की तरफ तो आपकी जो जो सीट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ वाला जो स्पेस है इसको ब्लैंक ही छोड़ दिया गया है, मेरे ख्याल से यहाँ पे चार्जर होना चाहिए था, बट पता नहीं कंपनी एक्सेसरीज में देगी या फिर नहीं। तो ये जो पार्ट है ना इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, नो डाउट स्पेस तो है, आगे काफ़ी सारी छोटी मोटी चीज़ें आ सकती हैं। अब अगर इसके अंदर मैं दिखाऊँगी मेरे फीट कितने आते हैं तो कुछ इस टाइप का सिनेरियो रहने वाला है। ऐसे ऐसे मैं बैठ सकता हूँ आराम से, दोनों फीट तो आ ही रहे हैं, छोटा मोटा और कुछ सामान आ सकता है बट बहुत ज़्यादा बड़ा कोई सामान नहीं आ सकता। फिर उसके बाद नीचे ये ग्रॉसरी हुक है छोटा सा, आप इसमें टांग सकते हैं कुछ भी। एक बार बताऊँ वैसे जो प्लास्टिक की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, ये ऐसी लग रही है कि इस बारी जो हीरो है ना वो सोच रहा है कि अब इंडियन जो ऑडियंस है उसको क्या चाहिए, जो मेरे कस्टमर्स हैं हिंदुस्तानी जो जनता है ना उसको क्या चाहिए, इसलिए प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी लग रही है पहले से। यहाँ पे लिखा है फ्यूल इंजेक्शन, यानी कि FI लिखा है यहाँ पे, फ्यूल इंजेक्टेड ये मशीन है। जो प्लास्टिक है वो अच्छा हाई क्वालिटी ये भी है, सही है, ये वैसा वाला नहीं है जो अभी तक हम देख रहे थे। दूसरी चीज़ ये कि ये है इसके फुटपैक्स, फुटपैक्स का डिज़ाइन देखो, लग रहा है यार क्लीन है। अगर इसको ऐसे करके खोलते हैं तो ये खुल जाएगा और ऐसे करके ये हो जाएगा क्लोज। फिर इसके नीचे यहाँ पे ये जो लाइंस आ रही है बॉडी लाइन, देखिए आज की डेट में ना जितने टीनएजर्स हैं, जितने स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं या फिर जो लड़कियाँ हैं जो बच्चियाँ हैं वो क्या करते हैं, उनको चाहिए ट्रेंडी चीज़, उनको आउटडेटेड नहीं चाहिए। ये मैं भी चला सकता हूँ, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, ये मैं चला सकता हूँ अपने एरिया के अंदर, पुरानी दिल्ली के अंदर घूम सकता हूँ उसको लेके, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। बॉडी लाइनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, ये जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट की जो देखिए इंजन जो दिख रहा है यहाँ से वो भी क्यूटली नाइसली छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे इंजन फैन है इसके और अंदर ही सेल्फ मोटर है और ये सारा सारा फैन सिस्टम और यहाँ से आ जाता है ये एग्जॉस्ट। अब ये एग्जॉस्ट छोटा सा आ रहा है यहाँ। अब एक बात बताऊँ, अगर ये केसिंग नहीं लगाते ना इसकी तो एग्जॉस्ट छोटा सा दिखता, लेकिन इसकी केसिंग लगाने के बाद एग्जॉस्ट लग रहा है बड़ा और अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ यहीं पे इसकी बिल्कुल पास ही डिप स्टिक भी दे दी, जिससे कि आप इंजन का जो ऑयल है वो चेक कर सकते हैं कि यहीं कहीं से इसको खोला और यहीं कहीं से। डिप स्टिक का देखो कितना सही स्टाइल बना रखा है कि इतनी बड़ी डिप स्टिक इसके अंदर दे रखी है, इतनी बड़ी डिप स्टिक है ये बड़ी सही चीज़ लगी मुझे कि बंदे को कोई टेंशन ही ना हो अपना ऑयल वगैरह देखने में। अच्छा, ये सिंगल साइडेड स्विंग आर्म इस स्कूटर में मिल जाएगा, जिन लोगों को मोटरसाइकिलों में ज़्यादा पसंद था कि सिंगल साइडेड स्विंग आर्म होना चाहिए। और ये जो व्हील है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, एल्युमिनियम जो इसके अंदर यूज़ किया है वो अभी देखने में अच्छा लग रहा है, बाकी टेस्ट राइड और जब ये रोड पे आएगा क्या होता है इसके साथ में वो तब पता चलेगा। बट ये वाला जो पोर्शन अब पीछे की तरफ आ जाता है ना, मैं क्यों ज़्यादा इम्प्रेस हूँ इसकी लाइटों से और जो ये जो डिज़ाइन है ये ना बहुत ही, मतलब मैं बताऊँ जिसको बहुत शौक होगा ना स्कूटर डिज़ाइन बाइक डिज़ाइन करने का, उसने ये डिज़ाइन किया स्कूटर। क्यों, यहाँ पर देखिए ये सारा का सारा पार्ट ऑफ डिज़ाइन है, कुछ नहीं है, फंक्शनल नहीं है, लेकिन ये ऐसे करके विंग्स बना देने इस पर, ये आउटलेट्स बना देने कि भैया ऐसा लगे कि कुछ परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ है या फिर कुछ है, यहाँ पे ये एयर चैनल बना देने, जबकि ये फंक्शन है या फिर नहीं, वैसे फंक्शन होंगे नहीं, लेकिन एयर चैनल क्रिएट कर देना। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है इसकी लाइट, पीछे से एक बड़ी फैंसी बाइक, बहुत बड़ी लेवल की, बहुत महंगी, वैसी सी ये लाइट जो है ये देखने में लग रही है एच ही शेप है इसका। अब ये एच शेप हीरो को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन लाइट जो है वो प्रॉपर है, बड़ी लाइट है। चलो इंडिकेटर वगैरह भी LED हो जाने चाहिए थे, बट अगर हेलोजन भी है तो ठीक है, काम पीछे से। ये देखिए कि ये है इसकी नंबर प्लेट लाइट, जहाँ पे कि हेलोजन ही लाइट है, बट पीछे से कुछ जो सीन है स्कूटर का वो कुछ ऐसा सा है कि प्रॉपर तो लग रहा है। एक बार ही मैं अगर इसके ऊपर ऐसे करके बैठ के दिखाऊं, पीछे से देखो बिल्कुल, तो कुछ पीछे से ये वाला शेप लगेगा आपको इस टाइप का, ठीक है।
तो ये हर एक हाइट के लिए है। अगर आपकी हाइट 5'5" है या फिर 5'11", जैसे कि मैं बैठ रहा हूँ, मैं 6 फुट का बंदा भी अगर बैठेगा तो बस वो हल्के से उसकी नी बैंड हो सकते हैं, लेकिन स्कूटर जो है ना उसको काम दे देगा। अब ये साइड देखते हैं, तो इस साइड में सेम वही बॉडी पैनलिंग वगैरह, यहाँ पे जूम लिखा हुआ है, एक्सटेक लिखा हुआ है, ये इनकी टेक्नोलॉजी है। एक्सटेक वगैरह पैशन वगैरह के अंदर भी आती है। और यहाँ पे ये जो एयर चैनल्स हैं, ये जो विंग का डिजाइन है, इसको ये वाले एंगल से दिखाएं, अगर ये वाले एंगल से, तो ये विंग का डिजाइन देखो, ये पीछे विंग ऐसा लग रहा है जैसे एक स्पोर्ट्स कार हो और स्पोर्ट्स कार को एक पीछे स्पॉइलर दे रखा हो, बट ये है तो स्कूटर और वो भी बहुत कम सीसी का। स्पेसिफिकेशन पे बाद में आएंगे। पीछे से देख लो तो पीछे एक ही शॉकर यहाँ पे दिया हुआ है, स्प्रिंग लोडेड और ऑयल चार्ज शॉकर है ये। और पीछे कुछ इंजन ऐसा दिखता है, इसके अंदर किक का सपोर्ट है, एक्सट्रैक यहाँ पे लिखा हुआ है हीरो ने। बाकी इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अब सुनते हैं इसका साउंड। तो चाबी मैं लगा रहा हूँ इग्निशन में, और ये पहले सेल्फ मोटर की आवाज़ आती है, और साउंड जो है कुछ इस टाइप का है। ये एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 110.something cc का है, मतलब 110 cc आप मान सकते हो, जो कि 8 bhp का पावर आपको देगा और 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। थ्रॉटल देके दिखाऊं, कुछ कुछ इस टाइप का इसका साउंड है और कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नहीं। देखो क्योंकि ना इसमें क्या है, एक चीज़ का पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि इसके अंदर साइलेंट स्टार्टअप नहीं है। अब मैं स्टार्ट करता हूं तो सेल्फ की आवाज़ आती है, फिर स्टार्ट हो रहा है। अब एक फीचर नहीं है इसका, मतलब ये नहीं है कि और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले इसका हैंडल देख लेते हैं। तो भैया देखो, हैंडल पे है सबसे पहला जो इसका बटन है वो है इसका हॉर्न। यहाँ पे अगर लेफ्ट से देखें तो हॉर्न कुछ इस टाइप का है। ये आ जाते हैं इसके टर्न इंडिकेटर्स, ये आ जाते हैं इसकी पासिंग लाइट, और ये अप और लो, ठीक है, लाइट आ गई। फिर इस तरफ देखते हैं तो इसके अंदर I3S टेक्नोलॉजी भी है, जो कि इसको ऑन कर दोगे तो रेड लाइट पे अपने आप ऑफ हो जाएगी स्कूटी, और इसको ऑफ कर दोगे तो ऑन ही रहेगी हमेशा। फिर ये सेल्फ का बटन, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। यहाँ पे आ गया थ्रॉटल, यहाँ पे आ गए आपके दोनों तरफ ब्रेक, और ये आ गए आपके साइड व्यू मिरर्स। अब ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ये मोनोक्रोम स्क्रीन है, कुछ ऐसी टाइप की। यहाँ टाइम दिखा रहा है, फ्यूल दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है आपकी स्पीड दिखाएगा यहाँ पे कि कितना किलोमीटर है, और यहाँ पे रेंज भी दिखाता है कि कितने पेट्रोल में कितना है। और ये दो बटन आपको मिल जाते हैं, अगर इनको चेंज करें तो ये देखिए ओडो और यहाँ पर ट्रिप वगैरह चेंज हो जाएगा। इसके अंदर कुछ बेसिक फीचर तो हैं। अब अगर ये हम सोचें कि भाई स्कूटर है, सामान रखने के लिए सामान कहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे ना इसकी की लगती है, खैर साइड में ही है, लेकिन मैं एक बार इसकी सीट को पहले डिस्क्राइब कर दूँ। यार ये सीट स्लिम सीट बनाई है, बहुत बल्कि ये मोटी नहीं बनाई। ऊपर का जो फैब्रिक है ना, ये जा रहे हैं अच्छी क्वालिटी के अंदर जा रहे हैं। ये जो फैब्रिक है ना, फील करने में थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, बढ़िया सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ सच्चे में स्कूटर एक प्रीमियम स्कूटर, देखो ये प्रीमियम नहीं है, ये आएगा अंडर 1 लाख ही, लेकिन जो फील है वो अच्छा है सीट का। इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर कुछ ये इतना स्पेस आपको मिल जाता है, बिल्कुल एरियल एंगल से दिखाओ इतना स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। एक नॉर्मल या स्मॉल साइज का हेलमेट इसके अंदर आ सकता है, बिग साइज वाला हेलमेट इसके अंदर नहीं आ सकता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक छोटा सा एक पोर्शन और है, और इसके अंदर हम ये डाल देते हैं इसका जो भी सामान है, ठीक है। यहाँ पे एक LED लाइट है, ये LED लाइट रात को बहुत फंक्शनल हो जाती है, जब आपकी डिग्गी के अंदर सामान रखा है, आप कहीं से ग्रॉसरी की शॉपिंग करके आ रहे हैं, कुछ भी करके आ रहे हैं, और फिर मोबाइल निकाल के लाइट जलाओगे, अपनी डिग्गी के अंदर देखोगे सामान निकालोगे, उससे अच्छा है कि यहीं पे एक लाइट होती है। ये रहा लाइट का स्विच, ये देखिए जैसी सीट बंद होगी ये ऑफ हो जाएगी, जैसी सीट ओपन करोगे ये ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो छोटा सा ही है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, वो ये है कि एवरी टाइम जब भी आप फ्यूल डलवाओगे अपने स्कूटर में, तो ये सीट ओपन करनी पड़ेगी, और यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये खुलेगा पेट्रोल कैप। तो पेट्रोल कैप यहाँ से खुलेगा, पेट्रोल यहाँ से आप डला पाएंगे, और डायरेक्टली मुझे इसके अंदर पेट्रोल दिख रहा है। अगर इस वाले एंगल से भी दिखा दो तो डायरेक्टली पेट्रोल दिख रहा है अंदर तक, उसके बीच के अंदर कोई फिल्टर या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी ये जो है काफ़ी सिक्योर है इस पोजीशन पे कि बाहर से कोई इसको खोल नहीं पाएगा, ऐसे ही लोग कहते हैं और कंपनीज भी ऐसा सोचती हैं, क्योंकि पेट्रोल चोरियाँ सीट के अंदर देने से ना काफ़ी रुक जाती हैं। राइड का रिव्यू मैं तब दूंगा जब मैं इसको पूरा अच्छे से चला लूँगा, परख लूँगा, जाँच लूँगा, तब जाके बताऊँगा कि क्या है। अभी देखो इसका सिर्फ रोड प्रेजेंस कि रोड पर ये कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिखने वाला है अगर इसको
द्वार से ऐसे करके देखें तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। और इसमें मतलब पावर कितनी है, जैसे अगर खड़ा हूँ मैं और खड़े खड़े अगर इसको मैं थ्रॉटल दे देता हूँ तो उड़ जाता है, व्हील जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे। एक बार ही द्वार से देखें, अगर इसको थ्रॉटल देते हैं क्योंकि इसकी जो BHP है वो ऐसा लगेगा जैसे कि अंडर पावर्ड है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के ऊपर फर्क होता है और गेयर रेशो पे, जो जिस टाइप का ये गेयर रेशो यूज़ करते हैं कम पावर के अंदर, अगर मैं इसको थ्रॉटल देता हूँ तो उठ रहा है। तो गाइस यही एक जो स्कूटर है ना हीरो की तरफ से जूम, इसका एक छोटा सा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप रॉकिंग किंग इंडियन, बाय बाय।